कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा और शिवराज सरकार को सलाह दे डाली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बॉलीवुड का एक्टर होना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश भर में ताबड़तोड़ रैली और सभाएं करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सिंधिया मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए शिवराज को मुख्यमंत्री बनने की बजाय बॉलीवुड फिल्म का एक्टर बनने की सलाह दे डाली। 13 दिन में जाने की कोई मोहलत नहीं मिली, उल्टा भोपाल में तंबू गाड़कर स्वयं प्रदेश का मुखिया उपवास पे बैठ गया। गोली उसकी शासन के द्वारा चलाई और मुखिया उपवास पे बैठ गया। इससे बड़ा नाटक हमने टेलीविजन में नहीं देखा होगा। शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, शिवराज सिंह जी को बॉम्बे में जाके बॉलीवुड के पिक्चर में एक्टर बनना चाहिए। हालांकि मालवा की सियासत में मंदसौर किसान आंदोलन से रिचार्ज हुई कांग्रेस को अब टिकट की नाराजगी भी सताने लगी है। यही वजह है कि मल्हारगढ़ में सिंधिया की सभा में कोई खास भीड़ देखने को नहीं मिली। वहीं सिंधिया कांग्रेस के बागी नेताओं को भी मनाते हुए नजर आए। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस के वचन पत्र को भाजपा के संकल्प पत्र की नकल बताने पर भी बखूबी जवाब दिया। देखिए, हमारा विश्वास, हमारा संकल्प, हमारी सोच, हमारी विचारधारा है। ना किसी की नकल करने की जरूरत है और खास करके उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है जिनकी कोई अकल ना हो। कुल मिलाकर सिंधिया ने आक्रामक भाषण से कार्यकर्ताओं में भले ही जोश भरने की कोशिश की हो, लेकिन टिकट की नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मंदसौर।